मध्य प्रदेश के भोपाल से जुड़ गए हैं शैलेंद्र, जो कि ब्यूरो चीफ है। इसी के साथ ही उपेंद्र सिंह राणा उत्तराखंड का हाल हमें बताएंगे, और रायपुर से भी हमारे साथ अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे मैं शुरुआत करती हूँ। छत्तीसगढ़ में फिलहाल बारिश को, शैलेंद्र, मध्य प्रदेश को लेकर भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कौन से वो जिले हैं और वहां पर अभी क्या स्थिति बनी हुई है? को बता दूंगा कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 35 जिलों को येलो अलर्ट पर रखा गया है। बाकी के जिले हैं जो वो अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें चंबल, ग्वालियर और बघेलखंड का चेताता, आगरा मालवा भी चेताता। इसके अलावा जितने बाकी 35 जिले हैं उन सभी जगह बारिश को लेकर येलो अलर्ट किया गया है। और 4 दिन से भारी बारिश गरज चमक के साथ जिस तरह से एक दिल दहला रही है लोगों के, और अभी तक प्रदेश में 7 लोगों की इस बिजली कड़कने से यहाँ पर मौत भी हो चुकी है। कल की अगर हम बात करें तो आगरा मालवा में बच्चे जब स्कूल से आ रहे थे तब 3 बच्चों की जान चली गई थी। तो एक बड़ी आपदा की स्थिति में यहाँ पर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार मुहिम तैयार की गई, और 280 रेस्क्यू टीम के साथ बैकअप टीम, 19 बैकअप टीम बनाई गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार बाढ़ क्षेत्रों की यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं और मॉनिटरिंग के साथ साथ यहाँ टीम को और विभागों को संयुक्त रूप से यहाँ मदद के लिए यहाँ कोशिश की जा रही है।